ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो है इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। आप कैसे आपका बिजनेस एब्रॉड में यानी आउट ऑफ इंडिया में कोई भी कंट्री में शुरू कर पाओगे, मैं उस बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। हमने काफ़ी सारे वीडियोज बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में, और आप कैसे आपका बिजनेस एब्रॉड में कर पाओगे और किस टाइप का बिजनेस एब्रॉड में कर पाओगे। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल में बना रहे हैं। तो आज का ये वीडियो है आप कैसे ताजिकिस्तान में आपका बिजनेस स्टार्ट करोगे, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान में कैसे आप आपका बिजनेस शुरू करोगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ताजिकिस्तान जो कंट्री है, ताजिकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। ताजिकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है, साउथ में है अफगानिस्तान और ईस्टर्न पार्ट में है चाइना, नॉर्थ में है नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है ताजिकिस्तान का। ताजिकिस्तान जो है रशिया यानी सोवियत यूनियन, जो पहले यूएसएसआर था, यूनाइटेड जो सोवियत यूनियन यूएसएसआर है, यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का एक पार्ट था, एक राज्य था पहला। 1991 में सोवियत यूनियन जब डिजॉल्व हो गया, जब अलग अलग कंट्री बन गया, 15 कंट्री में डिवाइड हो गया, तो ताजिकिस्तान एक नया कंट्री बना 1991 में। सो ताजिकिस्तान में पॉपुलेशन है 93 लाख का पॉपुलेशन है। उनका जो कैपिटल का नाम है दुशांबे और उनका लैंग्वेज दो भाषा में बात करते हैं, एक तो है ताजिकी भाषा में, उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ताजिकी भाषा, ताजिकी लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज है रशियन लैंग्वेज, क्योंकि एक रशिया का एक पार्ट था, रशिया का एक राज्य था, इसलिए अभी भी वहाँ का बच्चों को स्कूल में रशियन पढ़ाया जाता है और लोगों को रशियन आता है। ठीक है, तो दो भाषा में बात करते हैं, ताजिकी भाषा, ताजिकी लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज। लोगों को, ताजिकिस्तान का लोगों को भी ताजिकी कहा जाता है और उनका पॉपुलेशन बता दें 93 लाख और करीब 500 से 600 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं और बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और ताजिकिस्तान का डिटेल्स में बता दिया कहाँ पर लोकेटेड है, उनका इमीडिएट नेबर है अफगानिस्तान, साउथ में है, और वेस्टर्न पार्ट में चाइना और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनका जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है ताजिकिस्तान का। सो ताजिकिस्तान एक अच्छा स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है, काफ़ी सारे उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस है, तो नेचुरल रिसोर्सेस होने के बावजूद और उनके पास काफ़ी सारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है फॉर एग्रीकल्चर करने के लिए। तो क्या क्या किस टाइप का नेचुरल रिसोर्सेस है जो माइनिंग के लिए माइनिंग कर सकते हैं आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो पहला है नेचुरल रिसोर्सेस में गोल्ड है, सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, आयरन एंड बिस्मथ, एंटीमोनी एंड वॉल्फ्रेम, मार्बल, ग्रेनाइट एंड वोल्केनिक टॉफ एंड स्ट्रोंथियम, सेमी प्रेशियस स्टोन्स। तो ये जो आपको मैं दिखा दिया ये क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। उनके पास काफ़ी गोल्ड है और उनके पास काफ़ी सिल्वर है, ग्रेनाइट है, मार्बल है। अगर आप कजाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो माइनिंग सेक्टर में तो आप गवर्नमेंट से माइंस लीज लेके ये जो प्रोडक्ट आपको बता दिया, ये जो ऑयल और ये जो प्रेशियस स्टोन्स वगैरह बता दिया, ये निकाल के ये आप खोदन मतलब खुदाई करके इसको निकाल के आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ग्रेनाइट मार्बल का काफ़ी डिमांड है, गोल्ड सिल्वर का काफ़ी डिमांड है। तो ये आप माइनिंग सेक्टर के लिए, अगर माइनिंग बिजनेस में आप हो और ताजिकिस्तान में माइनिंग में आप जाना चाहते हो माइनिंग बिजनेस में, तो आप ये जो नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रोडक्ट बता दिया, ये जो उनका माइनिंग में मिलता है, उनका माइंस में मिलता है, तो ये जो प्रोडक्ट को, ये सब ओर्स को, आयरन ओर्स, सॉरी ओर्स और नेचुरल प्रोडक्ट जो है उनको आप निकाल के, आप खुदाई करके निकाल के उसको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो माइनिंग के लिए। और बाकी क्या क्या बिजनेस आप कर सकते हो इन ताजिकिस्तान में, आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन ताजिकिस्तान, क्या क्या बिजनेस आप कर सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। एनर्जी, माइनिंग इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, सिविल कंस्ट्रक्शन, जनरल मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग, लाइट एंड फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, कैफे, होटल्स एंड हॉस्टल्स, रिसोर्ट्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, रिटेल स्टोर्स, ग्रोसरी एंड सुपरमार्केट्स, इको टूरिज्म, हेल्थ एंड स्पा, माउंटेन हाइकिंग एंड हंटिंग।
सो आपको मैंने दिखा दिया काफी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है इन ताजिकिस्तान, काफी सारे प्रोडक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या बिजनेस कर सकते हो। पहले मैं आपको बता दिया माइनिंग सेक्टर में अच्छा चांसेस है, माइनिंग जो वहाँ का माइंस को गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को लीज दे रहा है, तो अगर आप माइनिंग कंपनी वहाँ रजिस्टर करते हो तो आप माइनिंग माइंस लेके आप वहाँ माइनिंग बिजनेस कर सकते हो। और सेकेंड में आपको बता रहा हूँ एनर्जी यानी शक्ति, एनर्जी यानी वहाँ का जो हाइड्रो पावर का बिजनेस काफी है, हाइड्रो पावर बना सकते हो काफी वहाँ का जो नेचुरल स्ट्रीम्स है, नेचुरल रिवर्स है, और हाइड्रो पावर का बिजनेस आप वहाँ कर सकते हो एनर्जी। और आगे माइनिंग बता दिया आपको, और केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल बिजनेस में आप आगे अच्छा जा सकते हो, और टूरिज्म बिजनेस भी अच्छा कर सकते हो। टूरिज्म में आगे बढ़ रहा है ताजिकिस्तान, न्यू दिल्ली टू दुशांबे को डायरेक्ट फ्लाइट है, ताजिक एयर जाता है, ताजिक एयर ताजिकिस्तान का जो नेशनल एयरलाइंस है, न्यू दिल्ली टू दुशांबे को फ्लाइट है, थ्री टाइम्स है वीक, तीन हफ्ते में तीन टाइम आपको फ्लाइट मिलेगा, डायरेक्ट फ्लाइट है, ठीक है। और बाकी आपको जो होटल्स रिसोर्ट्स, टूरिज्म आगे बढ़ रहा है इसलिए होटल्स रिसोर्ट्स एंड हॉस्टल्स एंड रेस्टोरेंट्स, कैफे, इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह आप कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। ग्रोसरीज कर सकते हो, सुपरमार्केट कर सकते हो, और आपको रिटेल स्टोर्स दुकान वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस बूम हो रहा है, अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी हो वहाँ का लैंड खरीद के बिजनेस कर सकते हो, कंपनी बना के, कंस्ट्रक्शन कंपनी बना के आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग बना के आप सेल कर सकते हो, लीज में दे सकते हो कंस्ट्रक्शन में। और जनरल मेंटेनेंस, वहाँ का काफ़ी सारे ओल्ड बिल्डिंग्स है इन ताजिकिस्तान, अगर आपको प्लम्बिंग, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एक सब काम आता है, तो आप छोटा सा कंपनी बना के आप ओल्ड बिल्डिंग का लीज लेके ओल्ड बिल्डिंग को रिपेयरिंग कर सकते हो, या घर का, फ्लैट का, या विला वगैरह लेके, विला वगैरह जितना रिपेयरिंग होता है, रिपेयरिंग बिजनेस आप कर सकते हो इन ताजिकिस्तान। और एग्रीकल्चरल बिजनेस, ताजिकिस्तान जो है स्ट्रेटेजिकली अच्छा लोकेशन में लोकेटेड है, उनका मिट्टी जो है, उनका जो सॉयल बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एग्रीकल्चर का बहुत सारा प्रोडक्ट आप वहाँ ग्रो करके एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रशिया और नेबरिंग कंट्री वेस्टर्न यूरोप को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वहाँ पर उगता है, इसलिए आपको बता दिया आप कंपनी बनाओगे तो ताजिकिस्तान में आप एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हो, लीज में लेके आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी अच्छा आप कर सकते हो। तो ये जितने सारे बिजनेस आपको बता दिया, ये बिजनेस आप अपॉर्चुनिटीज है इन ताजिकिस्तान, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा कितना टाइप का कंपनी बना सकते हो, किस किस टाइप का कंपनी बना सकते हो, और कितना पैसा खर्चा आएगा कंपनी फॉर्मेशन में, आपको डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। सो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कितने टाइप का कंपनी ताजिकिस्तान में बना सकते हो और कितना खर्चा आएगा कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपनी बनाने के लिए ताजिकिस्तान में। तो चार टाइप का कंपनी वहाँ बनता है, चार टाइप का। एक हो गया फर्स्ट LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सेकंड में आ गया JSC यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। थर्ड में आ गया ब्रांच ऑफिस BO, और फोर्थ में आ गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ठीक है, RO, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे LLC कंपनी क्या होता है, LLC कंपनी इन ताजिकिस्तान क्या होता है और कैसे बनाओगे। LLC कंपनी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर LLC कंपनी ताजिकिस्तान में बनाओगे तो मिनिमम 1% बना सकता है, 1% शेयर होल्डर रहेगा और 2% रहेगा डायरेक्टर। अगर आप फॉरेनर हो, इंडिया से हो या कोई भी कंट्री से हो, तो ताजिकिस्तान में पहले अकेले जाके कंपनी बना सकते हो, कंपनी बनाने के बाद आप 2nd डायरेक्टर कंपनी में रख सकते हो। लेकिन आपको पहला रजिस्ट्रेशन एक आदमी बनाएगा, 2nd में आप 2 डायरेक्टर वहां रख सकते हो, एक डायरेक्टर रहेगा और एक शेयर होल्डर यानी मालिक रहेगा कंपनी का, LLC कंपनी। सो LLC कंपनी का जो शेयर कैपिटल रहेगा $105 $105 जो है आपको आपका जो बिजनेस अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देखेगा कि आपने शेयर कैपिटल जमा किया $105 यानी इंडिया का करीब 7,000-7,500 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका बिजनेस अकाउंट में इन ताजिकिस्तान, ठीक है। तो ये $105 आप डिपॉजिट करोगे, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पैसा नहीं है, आप डिपॉजिट नहीं करते हो, तो एक साल के अंदर आप कंपनी का जो $105 आप डिपॉजिट करके दिखा सकते हो कंपनी के आपने पैसा डाला है, आपने पैसा आपका डिपॉजिट किया है। तो आपको बता दिया कैपिटल, शेयर कैपिटल है $105 है और कंपनी आपका बन जाएगा और आपका बिजनेस अकाउंट बैंक में भी खुल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया $105 में कंपनी बन जाएगा, $105 में कंपनी तो बन जाएगा, गवर्नमेंट का फीस है। लेकिन उससे पहले आपका दुकान या आपका ऑफिस, वेयर हाउस, फैक्ट्री जो आप लोगे, आपको फिजिकली
ऑफिस या दुकान आपको रेंट में लेना पड़ेगा, 1 ईयर लीज लेना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका दुकान का या आपका ऑफिस का 1 साल का लीज एग्रीमेंट डिपॉजिट करना पड़ेगा और बैंक अकाउंट बना के, बैंक अकाउंट बाद में आप खोलोगे, कंपनी आपका रजिस्ट्रेशन बन जाएगा, फिर आप आगे बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन लॉयर का जो फीस है इन ताजिकिस्तान मिनिमम स्टार्ट होता है $500 to $3,000। कोई कोई अगर छोटा लॉयर होता है तो $500 लेके आपका कंपनी बना देगा, $500। कोई कोई बड़ा लॉयर रहेगा तो $1,000 लेगा, $2,000 लेगा, $3,000 लेगा, $4,000 लेगा। अब डिपेंड करता है कितने टाइप का, किस टाइप का लॉयर को आप हायर कर दो। बिना लॉयर में आप कंपनी बना नहीं सकते हो क्योंकि ताजिकिस्तान में ऐसा लॉ है, आपको लॉयर को हायर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ताजिकिस्तान में कोई रिलेटिव है, आपका कोई, आपका वाइफ ताजिकी है या आपका हस्बैंड ताजिकी है या आपका कोई रिलेटिव है ताजिकिस्तान में जिसको ताजिकी लैंग्वेज आता है, रशियन लैंग्वेज आता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लेके आपको $105 में आपका कंपनी बन सकता है, ठीक है। ये हो गया LLC कंपनी, ठीक है, LLC कंपनी बन गया। और सेकेंड में आ गया जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ हर कंट्री में लिमिटेड कंपनी होता है जो शेयर मार्केट में एंट्री लेता है, शेयर मार्केट में लिस्ट होता है, ठीक है। ताजिकिस्तान में जॉइंट स्टॉक कंपनी दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन जॉइंट स्टॉक कंपनी और दूसरा होता है क्लोज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओपन जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है बड़ा कंपनी होता है, उसमें मिनिमम आपका 30 से लेकर 50 डायरेक्टर यानी शेयर होल्डर रहेंगे और मैक्सिमम अनलिमिटेड रहेंगे और उसका जो शेयर कैपिटल रहेगा $1,050। तो $1,050 में आप कंपनी जेएससी यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी, बड़े कंपनी खोल सकते हो। रजिस्ट्रेशन के टाइम में एक डायरेक्टर अगर रहेगा, एक शेयर होल्डर रहेगा तो कंपनी बन सकते हैं, बाकी बाद में 1 by 1 डायरेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें खर्चा आएगा आपको बता दिया, शेयर कैपिटल है $1,050 है, बाकी इसमें लॉयर जो है आपको ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं, आपको 1,000 से लेकर $5,000 चार्ज कर सकते हैं और आपको फिजिकली ऑफिस या दुकान वगैरह आपको रेंट पे लेना पड़ेगा ईयरली लीज में। ये हो गया ओपन जॉइंट स्टॉक कंपनीज। और दूसरा हो गया छोटा कंपनी बनाओगे तो दूसरा आ गया क्लोज जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें मैक्सिमम 30 डायरेक्टर रहेगा, 30 शेयर होल्डर रहेगा और इसमें इसमें रहेगा कैपिटल, शेयर कैपिटल रहेगा $210 $210 का शेयर कैपिटल रहेगा। इसका भी वही है $1,000 से लेकर $3,000 लॉयर ने आपसे लेके आपका एक कंपनी बना देगा। तो ये दोनों कंपनी को आप स्टॉक एक्सचेंज में, ताजिकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हो। फोर्थ में आ गया, थर्ड में आ गया ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस पहले मैं बता चुका हूँ, ब्रांच ऑफिस हो गया अगर इंडिया में आपका कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है तो आप वहाँ पर ताजिकिस्तान में एक ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। ब्रांच ऑफिस खोल के सेम कंपनी का नाम पे खोल के आपका जो मार्केटिंग टीम रख के इंडिया, इनको कुछ वीजा मिलेगा, फिर ताजिकिस्तान का स्टाफ को लेके आप बिजनेस वहाँ का मार्केटिंग कर सकते हो और डायरेक्ट आप कंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट आप प्रोडक्शन वगैरह नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग बाइंग नहीं कर सकते हो। यह होता है कंपनी का मार्केटिंग के लिए एक कंपनी बनता है, ठीक है। यह हो गया ब्रांच ऑफिस। इसमें शेयर कैपिटल रहेगा $1 में कंपनी बन जाएगा, लेकिन लॉयर का फीस रहेगा $500 से लेकर $3,000 लॉयर का फीस रहेगा, ठीक है। फोर्थ में आ गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हो गया अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हो इन ताजिकिस्तान, आपका दुकान ग्रोसरी या कुछ भी छोटा बिजनेस करना चाहते हो तो अकेले आदमी आप कर सकते हैं। उसमें $1 शेयर कैपिटल रहेगा और आपका $500 से लेकर $3,000 रहेगा लॉयर का फीस रहेगा। इसमें छोटा बिजनेस आप कर सकते हो, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में अगर आप बिजनेस करके आपका वीजा मिलेगा, रेसिडेंसी परमिट मिलेगा, लेकिन एक वीजा में आप ताजिकिस्तान में आप जमीन या घर या रेसिडेंशियल कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद नहीं सकते हो। बाकी जो तीन कंपनी पहले बता दिया, तीन कंपनी बना के अगर आपको वीजा मिलता है तो ताजिकिस्तान में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में आप बिजनेस प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स है 15% कॉर्पोरेट टैक्स है और आप बिजनेस वहाँ कोई भी बिजनेस कर सकते हो। और फ्रूट्स वेजिटेबल का काफ़ी अच्छा बिजनेस है और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काफ़ी बिजनेस है, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आप इंडिया से वहाँ का इंडियन फूड प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है सुपरमार्केट्स में। अगर आप वहाँ कंपनी रजिस्टर करते हो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ट्रेडिंग का, तो इंडिया से फूड प्रोडक्ट्स राइस वगैरह इम्पोर्ट करके ताजिकिस्तान में अच्छा तरह सुपरमार्केट्स ग्रोसरीज को सप्लाई करके अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। इंडियन मेडिसिन, इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इंडियन फूड प्रोडक्ट, इंडियन राइस स्पाइसेस वगैरह काफ़ी डिमांड है इन ताजिकिस्तान, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया और खर्चा कितना आएगा। ताजिकिस्तान काफ़ी चीप कंट्री है, बहुत चीप कंट्री है, इंडिया का GDP के हिसाब से हाफ है
और आप इंडिया में बड़े मेट्रो शहर में बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता चेन्नई में अगर कुछ बिजनेस करते हैं जितना खर्चा आता है उससे 60% 70% में आप पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस कर सकते हो ठीक है। तो 10 लाख 15 लाख में आप अच्छा स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया पाकिस्तान में क्या क्या बिजनेस कर सकते हो, किस टाइप का बिजनेस करते हो, कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है, सब कुछ आपको डिटेल्स बता दिया। मैं आशा करता हूँ आप ताजिकिस्तान में जाइए, ताजिकिस्तान में बिजनेस करिए और हमारा देश को आगे बढ़ाइए, हमारे देश को रेमिटेंस भेजिए ताकि इंडिया आगे बढ़े इकोनॉमिकली। अगर ताजिकिस्तान में आपको कंपनी बनाना है, बिजनेस करना है, तो आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स लॉयर्स इन ताजिकिस्तान और आप उनको ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको बता देंगे, वो आपको मदद करेंगे ताजिकिस्तान में कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए। अगर आप हमें हमारा कंपनी को कॉन्टैक्ट करते हो आप हमारा कंपनी आपको मदद करेगा ताजिकिस्तान में कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस सेटअप और वीजा सर्विसेज के लिए हम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा काफ़ी सारे लॉ फर्म्स एसोसिएट लॉ फर्म्स है उनके जरिए हम आपको मदद करेंगे ताजिकिस्तान में आपका खुद का बिजनेस सेटअप करके आप वहाँ बिजनेस करें। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को शेयर करिए आपके दोस्त लोगों के साथ और वीडियो को आप लाइक करिए और वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।